वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। नारायण 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 नारायण। देखो दो बात है, एक मैं हूँ, एक परमात्मा है, और तीसरा संसार है तो बदलता है। अगर मैं वही हूँ, परमात्मा वही, और संसार बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है।
मैं वही हूँ अनादिकाल से भूत ग्रह सव अयम भूतवा भूतवा प्रलय थे। वही ये प्राणी समुदाय है जो पैदा हो करके लीन होता है, उत्पन्न हो जाता है फिर नष्ट हो जाता है। तो उत्पन्न होना और नष्ट होना ये शरीर का धर्म है। शरीर उत्पन्न और नष्ट होता है और स्वयं ये रहता है। गीता ने ये बताया कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे इस देही के ये तीन अवस्था कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है और वृद्धावस्था होती है, तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तो बालक से जवान हुआ और जवान से बुढ़ा हुआ तो ये होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और बुढ़ा होता है ऐसे पीछा बालक हो जाता है, जहाँ जन्म लेता है और बच्चा हो जाता है, फिर बच्चा होकर वहाँ भी जीता रहता है, जवान हो जाता है और जीता रहता है, बुढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है, फिर कई दूसरे जन्म में बालक हो जाता है। तो ये बदलता रहता है, तो बदलता रहता है जो शरीर में कुमार युवा वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही शरीर में पीछे बाल्यावस्था हो जाती है। तो जन्मना बालक होना, जवान होना, बुढ़ा होना, मरना, फिर जन्मना बालक होना, जवान होना, बुढ़ा होना, शरीर तंत्र की दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है, बालक हो जाता है, तत्रापन की। इसमें कौन सी चिंता की बात है, इसमें कौन सी नई बात होगी। धीरज तत्र न मोहयति, पंडित इसमें मोहित नहीं होते, बदलते ही रहते हैं यह शरीर। तो शरीर तो संसार को बदलता है और जीवात्मा भूतग्रामा स एव अयम, वही यह रहता है। आरंभ में भगवान ने कह दिया तू मैं और राजा लोग, ये पहले नहीं थे ये बात नहीं है, और इसके बाद नहीं रहेंगे ये बात नहीं है, और अभी मौजूद शरीर से भी अभी तो मौजूद दिखते हैं, परंतु पहले शरीर नहीं थे तो तू मैं और राजा लोग थे, और तेरे मेरे शरीर नहीं रहेंगे, राजा लोगों के शरीर नहीं रहेंगे, तो भी ये तो रहेंगे। सर्वे वयम अतः परम अतः परम सर्वे न भविष्य में इतना हम नहीं होंगे ये बात नहीं। तो परमात्मा और ये जीवात्मा दोनों रहते हैं और संसार और शरीर ये बदलते हैं। तो संसार और शरीर एक जाति के हैं, ऐसे ही परमात्मा और ये स्वयं जीवात्मा एक जाति के हैं, ये नहीं बदलने वाले हैं। संसार सही बदलने वाला है, तो बदलने वाले के साथ में नहीं बदलने वाला का संबंध नहीं है। नहीं होते वो संबंध मान लिया, और संबंध ही नहीं, हरदम रहने वाले ने बदलने वाले का आश्रय ले लिया, भरोसा कर लिया, आशा कर ली, विश्वास कर लिया, ये गलती करी। हमारे सामने बदल रहा है, मिट रहा है, उसकी आशा रखते हैं, उसका विश्वास करते हैं, उसका भरोसा करते हैं, ये गलती करते हैं। तो किसका आशा भरोसा, एक भगवान की आशा, भगवान का विश्वास, भगवान का भरोसा, उस परमात्मा के ऊपर निर्भर रहे। जैसे मीरा बाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है। वास्तु मेरा कैसे, जो आता है इंसान जाता है, संयोग होता है, वियोग होता है, पैदा होता है, मर जाता है, आता है और चला जाता है, उस
उसके साथ मेरा संबंध कैसे, कोई संबंध नहीं। तो संबंध हमारा है परमात्मा के साथ, वो आता जाता नहीं है, उसका वियोग नहीं होता कभी। हम लोग वियोग मान लेते हैं, संयोग संसार का हमारे साथ संबंध नहीं है, उसके साथ संबंध हम मान लेते केवल। अरे मानने से होता नहीं, मानने से रहेगा नहीं, केवल हमारे मानने से क्या होगा। वस्तु तो है जैसी रहेगी, ये तो बदल नहीं है, बदलती रहेगी, तो ये हमारा नहीं है, ये शरीर संसार हमारा नहीं है और परमात्मा हमारा है। तो हमारा है इस बात को मान ले। देखो हम हैं और शरीर बदलता है, संसार बदलता है, ये तो हम जानते हैं। परमात्मा है ये जानते नहीं है, हम मानते। शास्त्रों ने कहा है, संतों ने कहा है, वेद भगवान ने कहा है, अच्छे अच्छे अनुभवी महापुरुषों ने कहा है कि परमात्मा है। अरे युक्ति से भी है, एक एक से बड़ा है, एक एक से बलवान है, एक एक से विद्वान है, एक से एक नित्य है, एक से एक की बड़ी आयु है। तू ये सबका पिता है, सबका पूज्य है, सबसे बलवान है, सबसे अधिक विद्वान है, सब तरह से सबसे अधिक है, उसी का नाम परमात्मा कहते हैं। कोई परमात्मा है तो सबसे अधिक है वो परमात्मा, तो उसकी शरण हो जाना। अपने परमात्मा को नहीं जानते, पर अपने को परमात्मा नहीं जानते ये नहीं है, वो जानते हैं। और केवल जानते इतने नहीं है, जानते भी है और परम दयालु है। परम दयालु है और जानते भी है, तो जानते हैं परम दयालु। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे को हमें जो दुख होता है, संताप होता है, इस बात को ये जानते हैं, और जानने होते हुए जानते हुए भी परम दयालु है। जान भी ले, दया नहीं हो तो क्या फायदा, हमारे क्या लाभ उसे। तो परम दयालु भी है। और साथ साथ एक तीसरी बात और है, जो परम दयालु है जानते हैं, ऐसे होते हुए समर्थ है। दया किसी के ज्यादा हो और हम दुखी हो तो हमारे दुख वो जान दया कर दया कर जान ले, दया भी आती है तो ज्यादा दया आवेगी तो वो भी रोने लग जाएगा, दुखी हो जाएगा हमारे दुख से, पर तो कर कुछ नहीं सकता। तो भगवान सर्वसमर्थ है, वो सब कुछ कर सकते है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था, वो करने में न करने में और उल्ट फेर करने में सर्वथा समर्थ है। ऐसे समर्थ परमात्मा के रहते हुए हम क्यों दुख पावे, क्यों दुख हो जाता हूं। इनमें एक भी कमी हो तो बात है, जानते ना हो, समर्थ है बहुत है दयालु भी, बट जानते नहीं तो क्या करे। जानते हो और समर्थ हो और दयालु नहीं हो तो क्या करे। एक भी बात कमी हो तो हमारा दुख नहीं मिट सकता। परमात्मा दयालु भी है, सर्वसमर्थ भी है और सर्वज्ञ भी है। तो हमारे दुख को न जानते हो ऐसी बात भी नहीं है, और वो दया न आती हो ऐसी बात भी नहीं है, और दया करके हमारे दुख दूर कर रहे ऐसी सामर्थ्य भी है। तो ऐसे परमात्मा के रहते हुए हम दुख पा रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात। अब ध्यान दिया तीन बातों, सर्वसमर्थ है, दयालु है और सर्वज्ञ है, फिर हम दुखी कैसे रह गए।
वो नहीं जानता हो, शुभ बात नहीं है। अगर जान करके दया न रखता हो, क्रूर हो, जानने से क्या फायदा, दया नहीं हो। और दया भी है जानता भी है, पर सामर्थ्य न हो तो सामर्थ्य भी सर्वसमर्थ है, वो सर्वथा सर्वसमर्थ है। तो ऐसे परमात्मा के रहते हुए हम दुख ये संसार में दुख कैसे रह गया, जरा सोचो आप। तो इसका जवाब नहीं है दुख कैसे रह गया, इसका जवाब ये है हम दुखी कैसे रह गए कि हम और दुख की चाहना करते हैं। जितना दुख है उतने से हम तृप्त नहीं होते, और दुख होना चाहिए, और दुख होना चाहिए, इससे दुखी है। और दुख चाहिए कौन चाहता है, कि सब साथ है। जिन चीजों के चले जाने से दुख होता है, ऐसी चीजों को ही फिर चाहते हैं। तो ये सब दुख देने वाली चीज है, रहने वाली नहीं है। कोई भी आज संसार से सुख लेने वाला दुख से बचा नहीं। तो आप और हम भी संसार से सुख ले तो दुख से बचेंगे। भगवान ने साफ कह दिया, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एवते। जितने संबंध जन्य सुख है वे केवल दुखों के कारण है, दुखों के उत्पत्ति स्थान है। सब दुख उससे उत्पन्न है जो संबंध जन्य सुख है उसे। संबंध का मतलब पहले हमारे साथ था नहीं, फिर हमारे साथ रहेगा नहीं, और बीच में हमारे साथ है, उनसे हम सुख लेते हैं। तो ऐसे सुख लेने वालों को तो दुख भोगना पड़ेगा, ये नियम है। वो दुख से कभी बच सकता नहीं। दुख योने एव, दुखों का खास कारण है और आदि अंत वाले हैं। न तेसु रमते बुधा, उसमें बुध विवेकी समझदार आदमी रमण नहीं करता। कभी मैं कितना देख कितना रहने वाला है, क्या इसमें सुख ले, क्या इसमें राजी हो, ये तो जाने वाला है। अब जाने वालों को हम चाहते हैं कि रह जाए, तो ये दुख को निमंत्रण देना नहीं है, और क्या है बताओ। फिर भी जाने वाले पदार्थों को चाहते हैं, उन भोगों को चाहते हैं, उन गलतियों को चाहते हैं, उन परिस्थितियों को चाहते हैं, उन अवस्थाओं को चाहते हैं। कैसे, जो जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, तो उनको चाहते हैं, वो नहीं मिलते तो दुखी होते हैं, अरे मिल जाए तो सुखी होते नहीं। भाइयों बहनों, ये बात अकल में आनी चाहिए कि धन होने से सुख होता हो तो धनी आदमी से आप मिल लो और मिल करके हृदय की बात पूछो कि हमारे गांव में आप बड़े धनी हो, आपको तो दुख नहीं है कोई। तो कोई आदमी धनी ऐसा नहीं मिलेगा जिसे दुख ना हो। दुख नहीं हो ऐसी बात नहीं है, उसके ऐसे ऐसे दुख है जिन दुखों की आप कल्पना नहीं कर सकते। धन होने से आपको भी पता लगेगा कि इतने इतने दुख होते हैं। जब तक धन नहीं है तब तक धनियों के दुख को आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इतने विकट विकट दुख उनको आते पाते, बड़ा दुख बड़ा दुख बड़ा दुख, ऐसी हमने बातें सुनी है। धनी आदमियों की हमने बातें सुनी, सुनने का काम पड़ा है, उनसे मिलने का काम पड़ा है,
बात करने का काम पड़ा है तो बहम पड़ता है कि ये बड़े सुखी है, परंतु सुखी नहीं है। हृदय में जलन हो रही है, जलन। दूसरों को निर्धन देख कर तो अभिमान से भी आग जलती है और अपने से अधिक धनवान को देखकर ईर्ष्या की आग जलती है। मन में छोटा प्रतीकता है, उसे एक जलन होती है। बरोबर आ जाते तो ईर्ष्या होती है, छोटों को देखकर अभिमान होता है। ये अभिमान, ईर्ष्या, ये जलन उनको जलती है। हरदम हृदय में शांति नहीं रहती, अपने दुख से दुखी होता है। उसका तो दुख बढ़ सकता है, पर दूसरे को दुखी धनी संपन्न देख करके जो जलता है, अब इसकी जलन कौन मिटावे। हृदय परिताप विषय की, जिसका हृदय दूषित है उसके परिताप विषय होता है। संताप तो औरों को भी होता है, पर उसके ज्यादा होता है। क्यों? कि जरे ही सलाह पर संपत्ति देखी, दूसरों की संपत्ति देख देख करके जलता है। अब उसका दुख कैसे मिटाया जाए। जरे ही सदा पर संपत्ति देखी, दूसरों की संपत्ति देख देख करके सदा जलता रहता है, उस आग को कैसे बुझाया जाए। तो उसकी संताप विषय की, विशेष संताप होता है, विशेष जलन होती है। तो ये जो बहम है कि धन से सुख हो जाएगा, धन से उधार दुख होता है, उधार लेता है मुफ्त में, उधार को दुख लेगा नहीं पीछा। अगर आप दुख खर्च लेते हो, जैसे कोई पत्थर उछाल करके सीधा लगे नीचे, उसमें चोट लगे तो हमारे चोट लगती, तो चोट लगे तो किया ही क्यों, पत्थर फेंक करके सीधी से क्यों रखा जान करके। इस तरह से दूसरे को सुखी दे करके, धनवाद दे करके जलन पैदा हो गई, ईर्ष्या पैदा हो गई। अब क्या करे, अरे क्या करे, तेरा मतलब क्या है। दूसरे धनी रहे, निर्धन रहे, मान रहे, सम्मान रहे, अपमान रहे, तुम्हें क्या मतलब है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन कुहार, अपना काम ठीक कर लो। परंतु ये रहा नहीं जाता, दूसरे का दुख, दूसरे का सुख देख करके जलन होती है। तो क्या करो, कृपा नाथ ये करो कि संसार की तरफ मत देखो, देखो केवल भगवान की तरफ। जैसे मीराबाई ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, भीतर से एक भगवान मेरे हैं, बस केवल परमात्मा मेरे हैं, दूसरों में कोई और, कोई मेरा नहीं, अपना नहीं है, सज्जनों कोई मेरा नहीं। जिस शरीर को मेरा कहते कहते मैं भी कह देती हूँ, स्वयं मैं हूँ यह शरीर, ऐसा कहते वो शरीर भी नहीं रहेगा तो किसका भरोसा कर रहे है? जाने वाले रहने वाले एक प्रभाव, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो और मांगो यही कि हे नाथ, आपके सिवाय किसी में मेरा प्रेम न हो, आकर्षण न हो, आसक्ति न हो, अपना प्रेम दे दे। हे नाथ क्यों राग जाहि न चाहिए कभू कछु, तुम सज सहज समय भगवान में कुछ नहीं हो, कुछ नहीं चाहिए उसे। ये शरीर का निर्वाह कैसे होगा, कि शरीर की चिंता हम क्यों करें, जब हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम चिंता क्यों करें। समर्थ के रहते हुए असमर्थ रोए क्यों, चिंता क्यों करें। परम दयालु सर्व समर्थ प्रभु के रहते हुए हम अपनी चिंता क्यों करें। चिंता अधीन दया रखो, भाइयों बहनों कृपा करो, अपनी चिंता छोड़ो,
अपनी एक ही चिंता, संतों ने कहा है चिंता तो हरि नाम की और निश्चित हो गया दास। चिंता एक ही है कि भगवान के नाम को भूल न जाऊं, राम 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 राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, गोविंद नारायण वासु। जो भगवान का नाम आपको प्यारा लगे उसी नाम का अभ्यास शुरू कर दो, वचन शुरू कर दो, पुकार शुरू कर दो। हरिया बंदी मानस करिए कूक पुकार, जैसे कोई जबरदस्ती कह दे मैं डाल दे मान ले पकड़ ले तो रो, मारने लगे तो रो भी चला, अरे सुनाओ भाई कोई सुनाओ, हे नाथ सुनाओ। ऐसे परमात्मा के सामने अगर प्रार्थना की जाए तो वो परम दयालु है, सर्वसमर्थ है, सब तरह से सुनने वाला है। पुकारो तो केवल प्रभु को, आप सहारा लेते हो कच्चा, नष्ट होने वाले का सहारा, धन का सहारा, बेटे पोतों का सहारा, शरीर का सहारा, संपत्ति वैभव जमीन जायदाद का सहारा, ये कब तक आपका निर्वाह करेंगे? आपके जीते हुए भी स्वप्नों सुसुप्ति में आपको ये काम नहीं आते तो मरने के बाद काम आओगे, और ये काम नहीं आते तो इनका भरोसा क्यों करो? उपार्जन करो, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, इनका सदुपयोग करो, ये तो काम है। पर सहारा तो केवल भगवान, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक भगवान का ही नाथ, ही नाथ। रात और दिन राम 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 राम, ऐसे हरदम करो। हम पढ़ते थे तो शहर से बाहर एक बगीची थी, उसमें हम रहते थे, पढ़ते थे। उसके पास एक सरोवर था तो पढ़ाई करते थे तो रात में 10 बजे तक पढ़ते, गर्मी के दिन होते तो पाठ करते, कंठस्थ पाठ था, पाठ करते अलग अलग बैठ जाते, हमारे महाराज से पढ़ाने वाले जाओ पाठ करो, गर्मी के दिन है, दीवा नहीं कर सकते, गर्मी बहुत पड़ती है, जंतु मरते है, पाठ सुनाओ। वो सुनते रहते, एक कहीं बैठा, एक कहीं बैठा, कहीं बैठा, आई और इधर कर रहे हैं, वो पाठ कर रहे हैं, लघु अवधि का पाठ कर रहे हैं। अब पाठ करते करते नींद आ जाए तो नींद में पाठी करते नहीं, क्या करते ऐसे डर लगता है, फिर पाठ शुरू कर देते, पाठ करते करते नींद आ गई, ऐसे पाठ करते। अब 10 बज गए, 10 बजे बाद में छुट्टी, अब जाऊ सो जाऊ। तो 10 बजे के बाद एक दिन की बात, मैं बाहर गया तो सरोवर के पाल पर एक साधु बैठे, हमारे परिचित प्रेमी बैठे थे, राम 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 ऐसा कर रहे थे, आंसू पड़ रहे थे। मैं बोलूं क्या बात है, कैसे समय बर्बाद कर, इतना समय चला गया भगवान का नाम लिया नहीं, अब रोना, कितना समय चला गया, अब क्या करें? वो समय चला गया, चला ही गया, अब ये उस घाटे की पूर्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों आप ध्यान देकर के सुने, आज अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए, दर्शन ले ले, तब तक ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, तो भी जो खाली समय गया है वो आने की पूर्ति नहीं होती। सुना आपने, ध्यान दिया कि नहीं? आज तक तो ज्ञान हो जाए, साक्षात भगवान दर्शन दे दे, इतना होने पर भी खाली समय चला गया, वो हानि है, वो हानि की पूर्ति नहीं होती।
तो और क्या चाहिए, भगवान की प्राप्ति होगी और हम क्या चाहिए, पूर्णता हो गई। कहते पूर्णता हो गई, खाली समय नहीं जाता तो ये पहले ही मिल जाते। आज दिन तक जोड़ी को लगती, आज परमात्मा मिल जाते भी खाली समय गया उसकी पूर्ति नहीं होती। वो समय आपका महाराज खाया जा रहा है तो कितने नुकसान हुआ। आपने ध्यान दिया कि नहीं, खाली समय का कितना नुकसान है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो भी उस नुकसान की पूर्ति नहीं होती, इतना बड़ा नुकसान है। और वैसे कर रहे हैं, नाम नहीं दे रहे हैं। समय जा गया भाई, उत्तम से उत्तम समय, बढ़िया से बढ़िया, इस समय जा रहा, कर क्या रहे हो, निकम्मे काम बातें कर रहे हो, इधर देख रहे हो, सुन रहे हो, टीवी देखते जा, वीडियो सुनते जा, राजी हो गए। अरे क्या कर रहे हो तुम, सोचो। ये समय मिलता नहीं, गया वक्त नहीं आ गया, दूसरी बार आ दूसरी बार आ गई, गया वक्त नहीं आएगा। आज दिन तक की अवस्था चली गई, ये अवस्था आने की नहीं, अब है ये भी जा रही है, आने की नहीं। ऐसी अवस्था में फिर बैठे बड़े हास्य की बात है, लेकिन भगवान के नाम बिना सज्जनों, अगर अपना उद्धार चाहो तो समय खाली मत जाने, क्षण क्षण से ही हो, क्षण प्रति क्षण सावधान है। राम 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 राम, जग चतुराई छोड़कर हो मूढ़ भज राम, जगदी चतुराई छोड़ सभा मोर भज राम, राम 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 राम, घर तू घर घर गोपाल भी हो जाता। ऐसा कोई है नहीं, जब तक इस लाभ में लोभ न लग जाए, इस लाभ के लेने के लिए तत्परता से न हो जाए, तब तक आपको पता नहीं लगता। दादू जी महाराज ने कहा, दादू जैसा नाम था तैसा लेना ना, उम्र भर नाम लिया भगवान का, पर वे कहते हैं जैसा नाम था तैसा लेना ना। नाम जितना कीमती है, विशेष है, महत्व की बात है, वैसे तत्परता से नाम लिया नहीं हमने। दादू जैसा नाम था तैसा लेना ना, दे हलावा हुए रहा घुस रही मन वहा, दे हलावा हुए रहा घुस रही मन वहा, देर का तरा से रहा चलो भी मर रहे, बीमार हो गए, लोग कहते अब बस जाने वाले हैं, थोड़ी देर के थोड़े से दिनों का हो मान, थोड़े से दिन समय जा रहे हैं, और नाम लिया नहीं इतना, तो जैसा नाम था तैसा भी नाम देहा लगा हुई रहा घूस रही मन मान, मन में रह गई। तो भाई इस तरह से शरीर जा रहा तो असली धन लूटो। राम दड़ी चौड़े पड़ी, भगवान का नाम है छोड़े पड़ा हुआ, राम 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 राम, ओ पुकारो हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परम पिता, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे माँ। शंकराचार्य कहते हैं माँ कौन कृष्णा विधान है, जिस नाम का, जिस माँ का नाम कृष्ण है, ऐसे क्यों पुकारा, सिवाय उनकी कौन सुनने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने तो कर नहीं सकता, समर्थ नहीं है, समर्थ है तो दया नहीं है। वो सर्व जानता है, सुनता है, परम दयालु है और सर्व समर्थ है, सब कुछ वे कर सकते हैं। तो उनके सामने वो भाई सच्चे हृदय से, सज्जनों बेटों के लिए रोते हो, इज्जत के लिए रोते हो, धन के लिए रोते हो, सब निरर्थक रोने का फल रोना ही रोना निकलेगा। अगर भगवान के लिए रोते तो दशा दुर्दशा नहीं होती। अब भी अगर शुरू कर रहे हैं
केवल तो है भगवान के लिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते राम 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 करे पुकारे रहस्य हे मेरे प्रभु, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, कोई साथी नहीं। धन रहेगा वहां पर रहेगा, कुटुंब रहेगा वहां रहेगा, और जगह जाओ नहीं रहेगा। भगवान कौन सी जगह नहीं है, कौन से समय में नहीं है और किसके नहीं है। सबके हैं तो मेरे भी हैं, सब समय में है तो अब भी है, सबके साथ है तो मेरे साथ भी है, सबके सूर्य परम मित्र है तो मेरे भी साथ है परम मित्र है, सबके हैं वही मेरे हो सकते हैं, मेरे और दूसरे के नहीं है वो मेरे नहीं हो सकते, किसी और के हो जाएंगे पर हमारे नहीं हो सकते, पर सबके हैं वो तो हमारे हैं ही, सब जगह है वो यहाँ भी है ही, सब समय में है तो अभी भी है ही, सब में है तो हमारे में है ही। एक राजपूत था, जीविका नहीं चलती थी, बड़ी तंगी, अन्न की तंगी, वस्त्र की तंगी, तो विचार किया अभी क्या करें, तो किसी की नौकरी करें, किसी की शरण जाए, किसी का सहारा ले, क्या करें। तो क्षत्रिय जाति है, जाति में एक अभिमान होता है, वो किसी का दास बनकर के रहना नहीं चाहता, एक जातिगत एक अभिमान होता है, तो किसके शरण हो। तो विचार किया कि सबके मालिक है उसके शरण हो जाओ, उसमें शर्म की बात नहीं, जिसके हम अंश है, जिसके आश्रित है, जो सबका पालन करता है, सबका पोषण करता है, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी इसमें पुकार, मैं उसका वंदना करता हूँ कि सबकी इसमें बोला, अज कीट पर भव भजन वरदान, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक छोटे छोटे जंतु तक और सबकी पुकार को सुनता है, सबकी पुकार, अज कीट पर भव भजन वरदान, सबकी मालिक है, सबका दुख दूर करने वाले हैं। ऐसे करके उसने विचार किया, श्रीनाथ है सबका मालिक है, पर उसके पास में क्या है कि पास में क्या क्या है, लक्ष्मी है, जो संसार का सुख और वैभव जितनी सामग्री सबकी अधिष्ठात्री देवता साक्षात जगत माता लक्ष्मी जी, जिनके चरणों की सेवा करती है, ऐसे श्रीनाथ है उसके मालिक हैं, हमारे मातेश्वरी लक्ष्मी जी उनके पति हैं, हमारे परम पिता हैं, माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, वो लक्ष्मी हमारी माँ है, माँ 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 बिना मतलब भी पालन करती है, बालक कैसा है कैसा नहीं है कुछ देखती नहीं, बच्चा है ऐसे की पालन करती है, ऐसी परम दयालु महान दयालु पुत्र वत्सला अनाज कृपाई कृपा भरी है ऐसी माता लक्ष्मी जी, तू हमारी माँ है, माँ 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 माँ, अरे उसके पतिदेव वो हमारे प्रभु है, पिता है, परम पिता परमेश्वर, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उसको पुकार, भगवान की पुकार कभी खाली नहीं जाती, ये जरूर सफल होने वाली है। सजनों और के अगर रोने से क्या होगा, वो भी रो जाएगा बेचारा, तो रोना केवल भगवान के लिए, प्रभु के लिए, हे नाथ हे नाथ, जिसे मैंने कहा राम राम कर रहे आंसू पड़े, हे प्रभु मांगो एक ही सब कर मांगो एक भग, राम शरण
सबका फल यही मालूम, हे नाथ आपके समूह प्रीति हो जाए, आपके बिना मैं जी न सकूं, रह न सकूं, ऐसी कृपा करो नाथ, मेरा मन सिवाय आपके और कहीं नहीं जाए, केवल आपके चरणों में मेरा मन रहे, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, ऐसे भगवान से कहो। पुकार पुकार करने वाला भगवान को प्यारा बहुत लगता है, बालक खेलता है पर सच्चे हृदय से पुकार करता है तो माँ से रहा नहीं जाता, सब काम छोड़कर उसको हृदय लगाना पड़ता है, माँ है, ऐसे परम पिता हमारे परम माता, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भंग सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जिते ही जाए, भगवान के कान में बहुत जल्दी प्रार्थना पहुंच जाती है, परम दयालु है ना, वो सुनने के लिए हरदम लालायक रहते, पालन करना काम है उनका, ब्रह्मा विष्णु महेश दिन में भगवान विष्णु पालन करने वाली शक्ति, सबका पालन करेगा, सबका दुख दूर करना इस काम के ऊपर मैं भयता हूँ, वो दुखी होकर हम पुकारे तो वो सुनेगा नहीं तो किसकी सुनेगा, क्यों जीते, बालक के रहते हुए बालक के पालन करने वाली माँ है, उस माँ के पास में सामर्थ्य रहते हुए बालक अगर दुखी दुख पा रहा है तो माँ को मर जाना चाहिए, क्यों है माँ, माँ किस लिए, अपने लाल अपने बच्चे का पालन नहीं करती तो माँ क्यों है, क्यों जीती है, ऐसे हम पुकारें और भगवान हमारी पुकार न सुने, हमारा पालन न करें तो भगवान का क्या मतलब है, क्यों जीते हैं वो, जीते क्यों है, किस लिए है वो, तो बालक माँ के लिए नहीं है तो किसके लिए है, इधर से तो हमारे लिए माँ नहीं है तो किस लिए है, इस बात से हमें चिंता नहीं कर, हम तो केवल भगवान को पुकारना है, राम आते ना चिंता दीन दयाल को मोह मन सदानंद, दीन दयाल जी को दया करने वाले को चिंता है, हम चिंता क्यों, पूजा को शरणों भी होता करता पूजा सच्चे हृदय से पुकार ही ना, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते समझ रखो कि ये शरीर रहने वाला नहीं, ये संपत्ति रहने वाला नहीं, ये कुटुंब रहने वाला नहीं, ये जिनका सहारा लिया है ये घर जमीन जायदाद रहने वाली नहीं है, इनके साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ ये नहीं रह सकता, इनका भरोसा कच्चा भरोसा है, सच्चा भरोसा भगवान का है, उसका एक आस है बस, एक आस रोड, एक बगल, एक आस विश्वास, एक ही आस है, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक का ही विश्वास है, एक राम घन श्याम पुलिस, जैसे बदल होता है उसके पपीहे के आस रहती है इससे पानी गिरेगा, ऐसे हमारे को जो कुछ मिलेगा उस घनश्याम प्रभु से मिलेगा, और कुछ मिलने वाला नहीं है सज्जनों, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, सब स्वार्थ के संगी है, पर परमात्मा की तरफ चलोगा तो ये विरोध करेंगे, सोरे उदंत हो जाए तो माँ बाप डरते हैं, और भगवान की तरफ सोए तो माँ बाप निषेध करते हैं, सोरे वो भगवान की तरफ जाने नहीं देते, ऐसी चीजें हमने देखी है, तो सारे छोकरे सत्य हृदय से भगवान की तरफ चलते हैं तो माँ को नहीं सुनाते, बाप को नहीं सुहाता, कुटुंब को नहीं सुहाता, पाप करे, अन्याय करे, झूठ कपट करे, बेईमानी करे, इससे बाप नाराज नहीं होता, भगवान में लग जाए नाराज होता, सत्संग में चला जाए तो नाराज होता, तो पक्के विरोधी परमार्थ के लिए, परमार्थ सिद्ध करो तो पक्के विरोधी, और आप रूप में खाने खाऊ 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 तैयार है, ऐसे संसार में क्या नहीं है, खुद खाऊं खाऊं करते हैं,
ये क्या निहार करेंगे। सत्य में बड़ा भारी मोह है, हम उनके मोह में फंसे हुए रहते, वो अपना ना कल्याण कर सकते ना दूसरे का नहीं कल्याण कर सकते, ऐसे के मोह में फंसे। चेत कब होगा, होश कब आएगा, जिसने एक भगवान को पुकार लिया। मीना भाई ने कहा मेरे तो गुरुदेव गोपाल, पर साथ में एक बात मार्ग में बताई कि दूसरों में कोई और कोई मेरा है नहीं। हम भी भगवान को पुकारते हैं, पर मन मेरे के धन है, कुटुंब है, मेरे शरीर है, बल है, विद्या है, योग्यता है हमारे में, ये कच्चा सार है, कच्चा सार है, कच्चा सार है, सब कच्चा सारा काम करना। सत्य और सत्य का सहारा भी सच्चा सहारा हमारे हृदय में अनन्य भाव से भगवान का सहारा केवल प्रभु का सहारा। तो निहाल हो जाओगे भाई, और बिना उसके कोई भी सहायता करने वाला नहीं, खुद टिकने वाला नहीं, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब भी उजारे। सब जलने वाला, मरने वाला, नष्ट होने वाला, दूध होने वाला, खत्म होने वाला, वो कब तक निहार करेंगे आपको, कब तक इनका सहारा पकड़े रहोगे, इनके भरोसे कब तक रहोगे, उनका भरोसा काम करना। भरोसा एक करो परमात्मा, जो नित्य रहने वाले है, परम दयानंद है, सर्वसमर्थ है, उस एक के समाज भगवत गीता पूरी सुना करके भगवान ने कहा सबसे बढ़िया बात कहता हूँ, सर्व गुयम भूय शुरू में परम वचन, सबसे अत्यंत गोपनीय बात परम वचन में कहता हूँ, तू सुन क्या बात बताई, माम एकम शरण तू मेरी एक की शरण आ जाए। भाइयो शरण लेना एक जीव का स्वाभाविक धर्म है, लता होती है वो भी किसी वृक्ष या गीवर का सहारा लेकर के चलती है, पशु पक्षी होते हैं उनको कोई मारने लगता है तो सहारा लेते हैं, वृक्ष का सहारा, पत्थर का सहारा, किसी जीव का सहारा, पुकार उठता है सहारा लेता है। तो सहारा औरों का लोग है तो केव का सहारा लेना पड़ेगा, घर छिलेगी नहीं, कभी मनुष्य होगा पशुओं का, कभी खेती का, कभी अपने पुरुषार्थ का, कभी उद्योग का सहारा ले लो, कच्चा सहारा मर जाएगा चलेगा नहीं, और सच्चा सहारा भगवान का ले लो, सदा तैयार हो, उसको पुकारो उसकी, और दूसरों में कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है, बिन आने की और का सहारा नहीं, केवल भगवान का सहारा ले, वो भगवान को प्यारा लगता है, दर दर भटकता है, जगह जगह दर्द करता है, उसको भगवान के लिए किसका क्या भरोसा है, न जाने कब किसी को पुकारेगा, भगवान भी विश्वास नहीं करते, विश्वास के लायक वो है ही नहीं, कभी कहे कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को पुकारते, भगवान के माम एक शरण दीजिए, अनन्य भाव से मेरी शरण हो जाकर माम एक शरण दीजिए, अहंकार सर्व पापे भी मोक्ष विषया में बाधो। अर्जुन डरता है पाप में वास्ते दस मान रहते पाप रहेगा, भगवान के लिए तू क्यों डरता है, सब पाप से मुक्त मैं करूंगा, और किसी की ताकत नहीं है सब पापों से सुधार दे, अपने अपने पापों को भी छोड़ नहीं सकते, दंड भोगना पड़ता है, वो हमारी सहायता क्या करेगी, भगवान कहते सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, मैं सुधवा दूंगा, तू सोच क्यों करता, ऐसा आश्वासन देने वाला है कोई, कोई संसार में ऐसा आश्वासन देना नहीं दे सकता है, नहीं दिया है नहीं देगा, ऐसा कोई सामर्थ्यवान है ही नहीं, ना तो सर्वोस्तिया कुटुंब में भगवान के समान भी कोई है नहीं है, दूसरे बड़े कौन मिलेगा, अरे वो है सबके लिए, आप कितने ही पापी है, कितने ही अन्यायी है, कितने ही दुर्द चलने वाले हैं, पर जब पुकार उठे तो उसी क्षण आपके साथ में भगवान, उसी क्षण सुनने वाले परमात्मा, जहां घबराया
हे नाथ मेरे कोई नहीं है। संतों ने कहा कि बोला न जानो को ये अल्प बुद्धि मन भेद थे, मन का वेग बहुत है, बुद्धि मारे बहुत तुच्छ है, इस वास्ते में कुछ जानता नहीं, परंतु नहीं जाते हरि हो ये या तो मैं जानू सुधा, जिसके कोई नहीं होता है उसके भगवान होते, ये तो मैं जानता, हमारे कोई नहीं है प्रभु, मैं आपका हूँ आपके, भगवान कहते हाँ हाँ मैं, भगवान की तरफ से आश्वासन सबको है, आप कैसे रहे, कैसे पाप किए, कैसे अन्याय किए, कैसे विमुख रहे, रहते न प्रभु चूक किएगी, चूक किए की बात भगवान को याद रहती नहीं, करत सुरत सहवा रहिएगी, हृदय की पुकार है उसको भगवान याद, कैसे किया किसने किया, बालक गुनाह करे बहुत ही रात तो भी पिता वृद्ध के सामने कितने बुरा करो, बच्चा है हमारा है अंत में हमारा, ऐसे प्रभु के ऊपर विश्वास कर लेता है, भगवान न करे विश्वास तो भगवान पालन करते, भरोसा न रखे उनको भी पालन करते, विरुद्ध चले उस पर भी भगवान कृपा करते, भगवान के पक्षपात नहीं है कि भजन करे उसका ही पालन करे, भजन नहीं करता है उद्दंडता करता है, विरुद्ध चलता है, भगवान के कानून का त्याग करके उल्टा चलता है, उस पर भी भगवान कृपा करते, उसका भी पालन पोषण करते, भगवान की दैन से वो भी वंचित नहीं है, जल सबकी प्यास दूर करता है, ज्ञानी से ज्ञानी, ध्यानी से ध्यानी, महात्मा संत की और दुष्ट से दुष्ट, कसाई कसाई से क्रूर आदमी की भी जल प्यास समान रीति से बुझाता है, हवा समान रीति से श्वास लेने को देती है, पृथ्वी रहने के लिए समान रीति से आकाश अवकाश सबको देता है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश सबको देता है, गंगा आदि नदियां ये जल सबके लिए तैयार, अगर भगवान दुष्टों की प्यास को शांत न करे तो क्या दशा हो, जल पक्ष बात कर ले यदि भगवान का भक्त होगा उसकी प्यास दूर करे तो मुश्किल हो जाए, भगवान की बनाई हुई सृष्टि ऐसी उदार है सबके लिए, कोई क्यों हो सबके लिए उदार है, तू भगवान स्वयं ऐसे उदार है, भक्ति करे उसमें उदारा सर्वे सब उदार कहते भगवान की शरणों की सही चला गया, अब इससे बढ़ और क्या चाहते और क्या मिलेगा और कुछ मिलने का है, एक भगवान की शरणों का सहारा लो सज्जनों, फिर कभी कष्ट पाना नहीं पड़ेगा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मने पाद बल डोरी, सबके स्नेह रूपी धागों को बटोर करके केवल भगवान के शरणों में लगा, एक भगवान है मेरे तो बस, कईयों का सहारा लिया, जन्म जन्म में सहारा लिया, माता पिता का लिया, भाई बंधुओं का लिया, धन संपत्ति वैभव का लिया, विद्वत्ता योग्यता इसका शरण लिया, पद अधिकार उसका शरण लिया, कोई ठहरने वाला नहीं, ठहरा नहीं और ठहरेगा नहीं, ठहर सकता नहीं, तू सब नाश वाले है, उत्पत्ति और विनाश वाले है, वो कैसे ठहरेगी, उनका सारा काम करे सारा वो जो अविनाशी है, जिसका विनाश कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी विनाश हो सकता नहीं, निरंतर रहने वाले प्रभु के चरणों का खुद होगा उसारण होगा, हे नाथ मेरे तो आप हो, मेरा तो गिर दे गोपाल दूसरे हो तो कोई, जाके सिर हो मुकुट मेरे पति सोई और कोई मेरा नहीं, ऐसे प्रभु के चरणों का सहारा लेकर पुकारो अनन्य भाव से, हे नाथ हे नाथ, और सब कर मांगे एक फल, क्या फल मांगे कि आपके चरणों में प्रीति लिया, और कुछ मांगना नहीं है, हमें कुछ लेना नहीं है, देने पर नहीं लेना, सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो, आपके चरण कमल में प्रीति हो जाए नाथ, और मैं कुछ नहीं चाहता,
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न समो निर्वाह। भरत जी महाराज कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, मैं धन नहीं चाहता, धर्म नहीं चाहता, कामना की पूर्ति नहीं चाहता, और तो क्या पद न चाहो निर्वाण मुक्ति पद भी मैं नहीं चाहता। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म में प्रीति भगवान के चरणों में होता है, यह वरदान न आन और वरदान नहीं चाहिए। सब कर मांगे एक फल राम शरण रति हो, सभी लोग उठते बैठते जानते सोते खाते पीते, हे नाथ हे प्रभु केवल आप पर प्रेम हो जाए, आपको भूलू नहीं कभी, केवल आपका सहारा दे लू, हे नाथ ऐसी कृपा करो भूलू नहीं, मेरे तो आप हो और कोई मेरा नहीं, कभी दूसरे का भरोसा न करो भाई, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, अपनी शक्ति के अनुसार उनको सुख पहुंचाओ, परंतु उसका सहारा मत, अपने लिए कोई काम के नहीं है, सब नष्ट होने वाले, सब जाने वाले, ये सब काल का कलेवा है, सब खत्म होने वाले, वो आपको क्या न्याय करेंगे, रहने वाले एक रहता रूप सही कर उसके सब बस आश्रित हो जाओ, ये रात मैं आपका हूँ, केवल आप मेरे और मेरा कोई नहीं है, और मैं और किसी का नहीं हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, केवल हे रात आप मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, नीलम भाई ने कह दिया मेरा दूसरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल है भगवान, उनके सिवाय मेरा कोई नहीं, जाके सिर मोर मुगत मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, कोई और मेरा नहीं, ऐसे प्रभु के चरणों का सहारा और पुकारो, चलते फिरते उठते बैठते सजनों क्यों का सहारा लिया है, कई तरह के काम किए हैं, धन इकट्ठा किया है, कुटुंब को किया है, कई तरह की परिस्थितियां आपने पैदा करी है, परंतु कोई फिरने वाला नहीं है, फिरने वाले एक परमात्मा है, और आप स्वयं मिटने वाले नहीं, आप भी मिटने वाले हो तो कोई बात नहीं है, अब मिट जाते मिल जाओ मिट जाते, आप तो रहने वाले, दूसरा सहारा सब जाने वाला, ये कच्चा सहारा, सच्चा सहारा लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हर समय राम 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 पुकारो, भीतर से पुकारो, हे नाथ सिवाय आपके मेरा कोई नहीं, कौन है मेरा, रामयो मित्र हमारो, तुम बिना मेरा कौन है, जो जो जग सारो, सब जगत को देख लिया, बिना आपके कोई मेरा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई अपना साथी नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई रक्षक नहीं, ऐसे अनन्य भाव से भगवान की शरणों के शरण, तुम्हारा आप ही हमारे आधार आश्रय, आधार आप, अधिष्ठान आप ही है, प्रकाशक आप है, पालक आप है, रक्षक आप है, आपके सिवाय कौन है, किसका सहारा लूंगी, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कौन सुने, कोई सुनने वाला नहीं है, अपना अपना दुख रोने वाले आ जाएंगे, तो वो अपना दुख रो देगा और क्या ध्यान करेगा, कर सकता नहीं, उनमें सामर्थ्य नहीं, खुद बेचारा डूब रहा, वो दिए वो क्या उद्धार करेगा, देवता दानव सब घबरा जाते, आपने भागवत रामायण आदि ग्रंथों में सुना है, राक्षस असुर बढ़ जाते हैं, देवता घबरा जाते हैं, अब उनकी सहायता कौन करे, लोग देवताओं की सहायता करते चाहते हैं, उनके शरण जाते हैं, देवता खुद घबरा जाते हैं, तो भगवान के शरण जाते हैं, तो बड़ी शरण वही एक है, उसके समान कोई नहीं, उसके शरण होकर के उसको पुकारो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अब ही अभी अभी, भाइयों बहनों ध्यान दो गोस्वामी जी के वचनों की तरफ, बिगड़ी जन्म अनेक की
सुधरे अब ही आज अभी सुधर जाए हो राम को नाम हे नाथ मैं आपका हूं। बस कहकर राम 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 मैंने तो शरण ले लिया। पार्वती ने क्या कहा, जन्म कोटि लग रगर हमारी बरों शंभु नगर कुआं। अब तो भगवान को स्वीकार कर लिया कर लिया कर लिया और सहारा हमारे है नहीं और रहेगा नहीं, कोई होने वाला नहीं है। ऐसे प्रभु के चरणों का सहारा लेकर उनके नाम का जप करो कीर्तन करो नारायण राम 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 राम। हृदय में एक धारणा कर लो कि सिवाय भगवान के और मेरा कोई है नहीं, होगा नहीं, कोई रह सकता नहीं, हो सकता नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं जाती। वो सर्व समर्थ हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं। ऐसे भगवान को पुकार हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। एक साधु मिले थे, उनसे कोई गलती हो गई तो अच्छे अच्छे पुरुष उन पर घृणा करने लगे, ठीक नहीं। तो बोले थे, मेरे सामने बात कही कि देखो दूसरे लोगों किसी को हमारे दोस्त का पता लग जाए उनका भाव बदल जाता है, वो घृणा करने लगे थे। परंतु हमारे प्रभु सब दोषों को जानते हैं, हमारे में जितने जितने ऐब है जितने जितने दोष है सब वो जानते हैं, फिर भी नाराज नहीं होते, फिर भी कृपा करते हैं, हमारा पालन करते हैं। ऐसे संसार में कौन है, कोई है नहीं है, कोई अपना नवरा नहीं है। नहीं जाके हरि हुए या तो मैं जानूंगा, जिसके कोई नहीं होता है उसके भी भगवान होते। अच्छे गुण वालों को तो हरेक ही अपनाते हैं, परंतु अवगुण वालों को भी भगवान अपनाते। मीडम भाई ने कहा मेरे जैसी गुण ही इनको अवगुण गाली जो कौन है सामारिया। अरे सुगुण सामरी हो ये अवगुण गारी लोग कौन रहे, ये अवगुण एवं कति को सामरी। अरे और कौन सकता है अवगुण गारी लोग कौन है, गुणवान के तो हरेक कृपा कर दे, हरेक सहारा कर दे, हरेक हृदय लगा ले, आओ सा बैठो योग्यता हो, सब तरह से अयोग्य सब अवगुण गारी अवगुण गारी लोग कौन है। आप सिवाय भगवान के किसी भी ताकत नहीं है मेरा, जो अवगुण करने वाला विपरीत चलने वाला उल्टा चलने वाला वो भी पुकारे तो उसके लिए भी भगवान तैयार। गजेंद्र के लिए आधी रात में भगवान बनाए पधारे और गजराज का उद्धार किया। जब लग गल अपनों बल बढ़ते नेक शरीर नहीं कहा, अपना सहारा लिया, अपने कुटुंब का सहारा लिया, आत्मियों का सहारा लिया, बच्चों का सहारा, बड़ों का सहारा, अंदर किसी का सहारा चले निर्बल वह बलराम पुकारो, कोई बल नहीं ना मेरे पास, कोई बल नहीं है। भगवान कहते हैं जिसके कोई बल नहीं होता उसके मेरा बल सदा तैयार सदा तैयार। दूसरे बल का सहारा लेता है ये गलती करता है तो उसमें देरी लगती है। एक आस रोर एक बल एक आस विश्वास एक अनन्य भाव से भगवान का आश्रय ले भगवान को पुकार हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सज्जनों सच्चे हृदय से प्रार्थना दिए भगत सच्चा गा जाए तो भगत वत्सल काम में वह कौन जटे जाए। भीतर से आर को पुकारेगा तो दूसरों को तो पता नहीं भगवान को पता है, सबकी बात सुनते हैं। अज की जबर ब्रह्मा से चींटी की तरह छोटे छोटे जंतु से लेकर ब्रह्मा तक सबकी रक्षा करने वाला सबका पालन करने वाला सबका ईश्वर परमात्मा एक रूप में वो भगवान हमारे है। सभी को ध्यान देकर सुनो सर्वोपरि परमात्मा है
जिसकी शरण सब लेते हैं वो परमात्मा हमारे हैं। नारायण नारायण नारायण।